हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैं अपने सोफे को क्यों काटने वाली हूँ। तो क्योंकि ये सोफ़ा पूरा बिगड़ चुका है, इसका फोम खराब हो गया है, तो साइड में तो बिल्कुल खराब हो गया है। तो यहाँ पे मैं ठीक कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने सेंटर में से कट लगा लिया है और ये जो खराब फोम है वो निकाल रही हूँ। इसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, वापस से इसके अंदर डालूंगी। लेकिन जो पूरा खराब हो गया है ना दोस्तों, तो ये मैंने ये कतरन ली है, देखो बचे हुए कतरन ली है, इसे इसके अंदर डाल दूंगी। और ये जो खाली खाली हो गया है वहाँ पे भर के इसका जो भर के बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग दे दूंगी और फिर इसे पैक करूंगी। तो सबसे पहले जितनी भी कतरन है वो हम इसके अंदर भरते जाएंगे। तो देखिए मैं ऐसे जब भी कोई भी बैग या कुछ भी सिलती हूँ तो उसका जो बचा हुआ कतरन होता है ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ और ऐसे कोई भी थैले में भरती जाती हूँ, फिर उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं ये मेरा जो सोफ़ा है उसको ठीक कर रही हूँ। अब देखिए मैं ये जो कतरन पूरी भर ली है। अब मैं हाथ से सुई से निडल से इसको जोड़ दूंगी और यहाँ पे जो हमने काटा था उसे वापस से जोड़ के अच्छे से सिल देंगे। तो ऐसे हमें पकड़ते हुए जाना है और 1 बाय 1 स्टिच करते जाना है। देखिए ये हमारा पूरा हो गया है और अब लास्ट बचा है जो भी, हम उसे भी जोड़ के अच्छे से सिल देंगे। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा सा और सॉफ्ट बन गया है और तो बहुत अच्छा बन गया है। यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। तो देखिए बहुत अच्छा सा बन गया है। तो अब दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से कट लगाना है और उसी तरीके से कतरन भरना है। और यहाँ पे मैं अपने भाई से कुछ बातें भी कर रही हूँ, वो भी मुझे इस काम में हेल्प कर रहा है। अब दोनों साइड हमने कर दिया, अब सेंटर की बारी है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये जो फोम है उसे ऊपर की ओर मेरे भाई को पकड़ने को बोल रही हूँ, फिर कतरन डालने वाली हूँ। लेकिन मेरे भाई ने मुझे इससे अच्छा आइडिया दिया है कि तुम फोम को निकाल लो। तो मैं वैसा ही करने वाली हूँ। पहले ऐसे फोम रखा था, कतरन नीचे ऐसे रखी थी, उससे पहले हमें फोम निकाल देंगे ऊपर का, क्योंकि पीछे की साइड है ना फोम का बेस बड़ा है और आगे जो बैठने की वजह से दब चुका है। तो मेरे भाई ने कहा कि वो निकाल के पीछे की साइड है वो आगे रख दो। तो हम उसी तरीके से करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सब निकाल दिया है और जो आगे की साइड थोड़ा बड़ा है वहाँ पे कतरन रख के उसके ऊपर हम फोम रखेंगे। और देखिए सोफे को पहले भी हमने ठीक किया था, तो वहाँ पे जो इलास्टिक थी उसकी जगह पे हमने प्लाई रख दी है, तो जिसके ऊपर मैं फोम रखती जाऊंगी। और इस तरीके से हमें फोम को अंदर की ओर पुश करना है और अच्छे से डाल देना है। और दूसरे को हमें ऐसे खींचते हुए अच्छे से निकालना है। देखिए यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ और फिर हमें पूरे में कतरन को भर देना है। यहाँ पे देखिए पूरा मैंने कतरन से भर दिया है। अब हम फोम उसके ऊपर रख देंगे। और दूसरा भी हमें ऐसे, तीसरा जो है वो तीनों पार्ट ऐसे ही रख दिया। अब नीचे से हमें कपड़े को खींचते हुए जाना है और पीछे की ओर हमें ये कपड़े को पुश कर देना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कतरन ऐसे खुली नहीं रखनी है तो आप इसका कवर भी बना के गद्दे की तरह नीचे रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मैंने जो कतरन डाली थी और ऊपर मैंने ये फोल्ड कर लिया था तो ये इसका ये बेस भी बढ़ गया और बहुत ही सॉफ्ट बन गया है ये। और बहुत इसका जो एकदम बिगड़ा हुआ इसकी हालत थी जो सोफे की वो बहुत अच्छी हो गई। और साइड में तो बिल्कुल यहाँ पे जो ये है दोनों साइड वो बिल्कुल बिगड़ चुके थे जहाँ पे मैंने कतरन भर दी है, तो जिसकी वजह से ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया और पूरा सोफे के हमारा लुक चेंज हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।